हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। इस वीडियो को बनाने की मैं बहुत पहले से ट्राई कर रही थी, बट आज जाके मौका मिला है। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये बनाने के लिए, मगर 12 आवर्स वर्क शिफ्ट के बाद आई गेट ज़ीरो एक्साइटमेंट। मगर हाँ, आई डू हैव दिस श्योरिटी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे, यू विल गोइंग टू क्रैक दैट। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। मैं हम बताएंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से सवाल जवाब होते हैं जो कि इंटरव्यू में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में। एंड सेकंड, वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ट्रिक्स बाय विच यू कैन क्रैक एन इंटरव्यू। ओके, सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक घटिया एक अच्छी। और जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनकी एक निशानी होती है, दे विल Make you feel that they and you are equal। वो आपको ऐसा नहीं जाहिर करेंगी कि आप उनसे कमतर हो या आप कम हो उनसे किसी भी लेवल पे। इज्जत देंगी, रिस्पेक्ट देंगी द मोमेंट यू एंटर इन द कंपनी, द मोमेंट यू स्टेप इन टू द कंपनी यू विल फील दैट एनवायरमेंट। और वो कंपनीज जो कि छोटी होती हैं वो सैलरीज भी छोटी ऑफर करती हैं, एंड दे विल मेक यू फील स्मॉल। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में बैठे होगे, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट। मगर द मोमेंट व्हेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू और अगर आपको ये फील हो रहा है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रहा है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इंटरव्यू देते हुए माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, तो आगे जब आप वहाँ उस कंपनी में जॉब करोगे तब माहौल कितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रियली एंड लेवल कॉन्फिडेंट। ऐसा समझो कि नौकरी तो मिल गई, नौकरी मिल गई, ये माइंडसेट रहेगा ना तो कोई नहीं रिजेक्ट कर सकता। द करंट कंपनी विच आई एम वर्किंग इन, आई गॉट ऑन बोर्ड इन लेस देन 3 मिनट्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही सबसे पहले आपने अपना रिज्यूमे हार्ड कॉपी देनी है इंटरव्यूअर को, उसके बाद अगर उनका मोस्टली सबका सवाल यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसके बारे में क्या बताना है? हरगिज़ वो बात नहीं बतानी जो कि ऑब्वियस है, जो कि रिज्यूमे में ऑलरेडी लिखी हुई है। सो यू हैव टू से कि यू ऑलरेडी हैव माई रिज्यूमे इन योर हैंड, लेट मी टेल यू समथिंग विच इज़ नॉट देयर। और उसके बाद वो बात बताओ जो कि रिज्यूमे में नहीं लिखी हुई। रिज्यूमे में तो सिर्फ वो बातें लिखी हुई हैं जो कि वर्बल है, तो ज़रा अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा अपने वर्ड्स में बताओ कि मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से की और कॉलेज मेरा ये था, अलॉन्ग विद माई कॉलेज डिग्री आई स्टार्टेड वर्किंग। के बाद पढ़ाई के साथ साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस डिफाइन करो। एक पॉइंट पे आके आपका वर्क एक्सपीरियंस जो कि पिछली कंपनी तक का है वो रुक जाएगा, और उसके बाद जहाँ आपने लास्ट जॉब की है उसके बारे में अपनी JD डिफाइन करो। एंड मेक श्योर उसकी JD आपकी जो आप करंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे सिंक करती हो। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो बातें बताओ जो कि आपने प्रीवियस वर्क प्लेस पे काम किया हुआ है। रिसर्च कर लेना उससे पहले, और मेक श्योर कि जो भी आप बात करो उसमें आ ऊ ई ई करके अटको नहीं। योर पिच शुड बी वेरी स्मूथ। टाइम कम होता है एंड यू हैव टू बी रियली क्लियर अबाउट योर सेल्फ कि क्या करते हो और पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो वैल्यू आप उनकी कंपनी में ला सकते हो। सेकेंड, वो आपसे काम के रिलेटेड पूछेंगे, ये कम ही होता है, बट अगर हो जाए, सेल्स जॉब के लिए जा रहे हो या कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हो, तो दे विल गिव यू 2 सिनेरियोज़ के भाई आपने प्रीवियसली कोई भी बिगड़ा हुआ कस्टमर हैंडल किया है, उसको सही से डिफाइन करना। और एंग्री कस्टमर आपने हैंडल किया है तो उसको ChatGPT से गूगल कर लो और कोई अच्छी सी पेच निकाल लो, सिनेरियो समझ लो, और उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में सही से एक्सप्लेन करना कैसे आना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई, और उसके बाद जब आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस पे बात आती है, तो आपने 2 फिगर्स नहीं बोले। लाइक ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि 70 to 80 आप मुझे दे दें, नहीं ऐसा नहीं है। एक डिजिट में बात करो। लास्ट कंपनी में मेरी 80,000 थी एंड आई एम लुकिंग टू गेट सम बेटर अपॉर्चुनिटीज, सो इफ़ यू ऑफर मी 90,000 इट वुड बी ग्रेट, या इफ़ यू वुड ऑफर मी मोर देन 1 लाख सो इट वुड बी ग्रेट। जो चाहिए उसको क्लियरली मुंह पे बोलो और उनको पर्क्स एंड बेनिफिट बताओ जो लास्ट कंपनी में मिला है, टू गेट द बेटर ऑफर। ओके,
एंड मेक श्योर कि सिर्फ इंटरव्यू वो नहीं लेते, इट शुड बी मोर लाइक अ कॉन्वर्जेशन मोर देन एन इंटरव्यू. तो सिर्फ ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू आपसे सवाल 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 करता रहे, मेक श्योर कि आप भी उससे उतनी ही कम्युनिकेशन करो जितनी कि वो आपसे कर रहा है. एंड दीज आर सम ट्रिक्स जिससे आपका पता लगता है दैट यू आर इनफ केपेबल एंड यू आर कॉन्फिडेंट. ओके एंड या आई मेक वीडियोज अबाउट दीज टॉपिक्स, हाउ टू गेट जॉब इन गुड कंपनीज, हाउ टू गेट बेटर ऑफर्स, हाउ टू डू फ्रीलांसिंग एंड स्टफ. कोई सवाल हो इससे रिलेटेड डू कॉमेंट बिलो एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.